हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोरखा ब्लॉगर। अपर असम के इस राइड में दोबारा आपका स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को डिब्रूगढ़ टाउन का मोटो ब्लॉग बना के दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग डिब्रूगढ़ टाउन में मोटो ब्लॉग करेंगे, देखेंगे डिब्रूगढ़ टाउन कैसा है कैसा नहीं है, सारा कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। आज ये डिब्रूगढ़ टाउन कैसा है, चलो मिलते हैं गाइस। तो दोस्तों देखिए, ये रहा डिब्रूगढ़ टाउन, आप लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है? हाँ, मेरे को तो बहुत मस्त दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट जाने वाला है दोस्तों, लेफ़्ट का रास्ता पकड़ेंगे, देखते हैं कि यहाँ से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी लोग हमें जाने देंगे कि नहीं देंगे आई डोंट नो। देखें डिब्रूगढ़ टाउन गाइस, हैव ए लुक, वाओ। सोचा था कि डिब्रूगढ़ टाउन में बाइक राइडिंग करूँ, आज फाइनली वो दिन आ गया। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि भाई डिब्रूगढ़ कैसा होगा, डिब्रूगढ़ कैसा होगा। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में भी सुना था, डिब्रूगढ़ के बारे में बहुत सुना था, भाई ऐसा है डिब्रूगढ़ वैसा है। आज फाइनली दोस्तों वो मौका मिल गया है, जिस वक्त मैं आप लोगों को ये ब्लॉग दिखा रहा हूँ, देखिए डिब्रूगढ़ दिखा रहा हूँ। आप एक बार मतलब देखिए कि भाई अगर आप यहाँ पे नहीं भी आए हैं तो एक अंदाज़ा लगाइए कि डिब्रूगढ़ टाउन आएंगे तो आपको कैसा नज़ारा दिखने को मिलेगा। हैव ए लुक ऑफ डिब्रूगढ़ टाउन, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। एंड अभी पूरा शाम हो चुका है बट फिर भी कैमरे में सारा कुछ नज़र आ रहा होगा, आई थिंक सो दिस इज़ एनाफ फॉर यू, इतना तो एनाफ हो गया। एंड आगे से क्या है भाई, ओवर ब्रिज है क्या भाई? वाओ ब्यूटीफुल ओवर ब्रिज है। एंड गाइस लेट्स राइड ऑन द ओवर ब्रिज, थोड़ा संभल के चलाना होगा भाई, कुछ लोग बहुत रफ टफ के चलाते हैं, आगे पीछे नहीं देखते, अपना ही देखते हैं। एंड गलती करने के बाद उल्टा वही लोग हमें फटकार मारने लगते हैं कि भाई तू कैसे चला रहा है, अच्छे से चला नहीं सकता है क्या? बल्कि ऐसा नहीं है, देखो हम लोग एकदम स्पीड लिमिट में चलाते हैं, आगे पीछे सिग्नल दे के चलाते हैं, फिर भी कुछ लोग है ना मतलब उल्टा पुल्टा चलाते हैं एंड कुछ हो जाने के बाद हमें ही डांट देते हैं, बट हम उसके मुंह नहीं लगते हैं, बिकॉज क्या है कि ना एक जन गलती करता है तो उसके साथ मुक्त मतलब क्या बोलो, अगर उसके पास नॉलेज होगा दिमाग होगा तो वो खुद ब खुद हमारे साथ लगेगा नहीं, या तो आई एम सॉरी रियली सॉरी ऐसा बोलेंगे। समझदार लोग झगड़े नहीं करते, जबकि खुद का ही गलती हो फिर भी सॉरी बोलते हैं, और सामने वाला की गलती भी हो तो फिर भी बोलते हैं कि भाई सॉरी माफ़ कर दे भाई, कहीं लगी तो नहीं, चोट तो नहीं लगे भाई, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, ऐसा कुछ बोल के जाते हैं समझदार इंसान लोग। एंड जो इंसान सर फिरा होता है, जिसका कोई नॉलेज नहीं होता है, वो बोल के वो आके तो सीधा झगड़ा करने लगता है कि भाई कैसे चलाते हो बाइक, हाँ चलाना नहीं आता भाई, तुम्हारा बाप का रोड है क्या, ऐसा मतलब फलाना ढिमकाना लोग बोलते हैं कुछ लोग जिसके पास नॉलेज नहीं होता है। यहाँ से राइट टर्न ले लेता है दोस्तों, कोई बात नहीं, रेड लाइट को जम नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी बैड, वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल, हमें जितना हो सके ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए गाइस, क्योंकि ट्रैफिक रूल जो है हमारे सेफ्टी के लिए बनाया गया है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और उसको बेहतरीन तरीके से मतलब अच्छे से फॉलो करना चाहिए। हमारे लिए होता है ट्रैफिक रूल, किसी के लिए नहीं होते, पुलिसों के लिए नहीं है, आम जनता के लिए बनाया है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी को चोट ना लगे, सेफेस्ट तरीके से लोग क्रॉसिंग करें, हाँ क्रॉस करते वक्त किसी को चोट ना लगे, इसीलिए ट्रैफिक बनाया जाता है गाइस। अरे नहीं यार, तो दोस्तों गोरखा ब्लॉगर आप लोगों को शाम के समय में डिब्रूगढ़ पर राइडिंग करके दिखा रहे हैं गाइस, हैव अ लुक। शाम का व्यू तो कतई जहर दिखाई देता है, क्योंकि चार मतलब ऐसा है कि ना दिन से ज़्यादा ना शाम को सिटी का नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, बिकॉज शाम के समय में चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग होता है ना, इसके वजह से मतलब सिटी जो है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा स्कूल है एंड आगे रेड लाइट जला है, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं है, ट्रेन के लिए है, ट्रेन का रेड लाइट है। हैव ए लुक, शाम का व्यू कैसा दिखाई दे रहा है? वाओ सिटी इज़ लुकिंग ऑसम गाइस। कभी कभी शाम को बाइक राइडिंग करने में भी मज़ा ही कुछ अलग है भाई, एंड स्पेशली आप घर से बहुत ज़्यादा दूर हो तो और क्या ही बोलो, अभी हम लोग घर से बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा दूर है, आई एम मिसिंग माई होम गाइस, मैं कब घर पहुँचूंगा आई डोंट नो, बट जो भी हो आप लोगों के लिए गोरखा भाई पहुँच चुका है डिब्रूगढ़, एकदम डिब्रूगढ़ टाउन। एंड डिब्रूगढ़ टाउन एक्सप्लोर कराने के बाद आप लोगों को मैं तिनसुकिया ले जाऊँगा, मतलब पूरा अपर आसाम के एकदम कोने छोर तक पहुँचाऊँगा, कैसा लगेगा, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। एंड गाइस देखे बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रीट लाइट वो ऊपर में दिखाई दे रहा है, स्टेडियम का लाइट जैसा भी लग रहा है आई डोंट नो। एंड यहाँ पे ऊपर में पता नहीं क्या हो रखा है, श्री कृष्ण भगवान है क्या? नहीं नहीं श्री कृष्ण भगवान का नहीं, पता नहीं कुछ हो रहा होगा, इसलिए ये देखिए इतना बड़ा बड़ा गेट बना के रखा है रोड के ऊपर, अच्छा कुछ हो रहा है आई डोंट नो क्या हो रहा है। ऊपर में आगे लिखा है
डिब्रूगढ़ ट्रेड एक्सपो। अच्छा, ट्रेड एक्सपो का मेला लगा हुआ है, कहीं बाजार लगा हुआ है, तो गेट बना दिया गया। एंड वाओ गाइस, हैव अ लुक, ये कोना कॉलेज ना, कितना बढ़िया कॉलेज है भाई। वाओ, ऐसा कॉलेज में पढ़ने में मज़ा ही आएगा, बहुत मज़ा आएगा। कॉलेज ऐसा हो और आपके पास KTM ड्यूक 390 हो एंड आप चश्मा लगा के कॉलेज के ड्रेस में अगर ऐसे कॉलेज में एंट्री करोगे तो वाह, कतई जहर वाला लुक आएगा। बट आपका भाई जब कॉलेज पढ़ रहा था, आपका भाई के पास KTM ड्यूक 90 नहीं, BSA साइकिल था, साइकिल में कॉलेज जाया करता था। हाँ, मैं जब क्लास 11 12 पे था, मैं क्लास 11 और 12 में तो पूरा साइकिल में ही गया, BSA साइकिल खरीद दिया था। जब मैं क्लास 10 में था तब मेरे को BSA साइकिल खरीद दिया था घर से, एंड उसी साइकिल से मैंने 10 पास किया। 10 पास करने के बाद 11 और 12 भी मैंने साइकिल से ही कॉलेज गया, कोई शर्म नहीं आया। इसके बाद 12 पास करने के बाद एक सेकेंड हैंड बाइक खरीद दिया घर से, जो कि मेरे पास था वो क्या बोलते यामा FZ पुराना मॉडल वाला, बहुत ओल्ड मॉडल वाला। काफ़ी धोखा, काफ़ी साथ भी दिया, बट बहुत ज़्यादा बिगड़ता था, बहुत ज़्यादा पैसा खा लिया उस बाइक ने, इसलिए मैंने उस बाइक को बेच डाला। एंड आपका भाई ने ये वाला बाइक, नया बाइक खरीद लिया। लेकिन इस बाइक को ख़रीदने का और एक एडवांटेज हुआ कि ये बाइक माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। वो FZ जो है तेल बहुत ज़्यादा खाता था, तो आपका भाई का तेल बहुत ज़्यादा था वो FZ बाइक पर। अब यहाँ से साइड में रखते हैं कि कौन सा वाला रोड है, मैं अच्छे से देख लेता हूँ। दोस्तों जूम करके देखना पड़ेगा भाई, कहाँ पे जाना है भाई, ज़्यादा ही जूम हो गया। अच्छा, हमें यहाँ से राइट लेना है। अच्छे से गाड़ी को देखकर क्रॉसिंग करेंगे दोस्तों, सिग्नल लाइट दे दिया है। दोस्तों आप लोगों को डिब्रूगढ़ टाउन पे बाइक चलाते चलाते कब शाम हो गया है पता ही नहीं चला, देखिए पूरा आपका पूरा शाम हो चुका है। एंड अभी भी हम लोग डिब्रूगढ़ टाउन में ही घूमते ही जा रहे हैं। डिब्रूगढ़ टाउन में इसलिए घूम रहे हैं ताकि आप लोगों को डिब्रूगढ़ टाउन दिखा सको, कि एक अंदाज़ा हो सके कि ये कितना बड़ा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूरा घूमना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो मेन टाउन है उसके बीचों बीच हम लोग राइडिंग कर रहे हैं ताकि आप लोग को अंदाज़ा लगे कि भाई ये कितना बड़ा है। गुवाहाटी जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन वाकई में ये भी बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है। पहले तो लग रहा था कि भाई हाँ ये छोटा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ा है। गाइस देखिए, हम लोग कब से बाइक राइडिंग करते ही जा रहे हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। दोस्तों पूरा का पूरा रात हो चुका है, डिब्रूगढ़ टाउन और भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एंड हम लोग ने जितना हो सके डिब्रूगढ़ टाउन पर बाइक मोटो ब्लॉक करके आप लोग को दिखाया, एक अंदाज़ा हो गया होगा कि यार भाई डिब्रूगढ़ टाउन आखिर कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत हम लोग ने जो वीडियो में मोटो ब्लॉक राइड करके दिखाया वो एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट पर हम लोग ने मतलब बाइक राइडिंग करके आप लोग को दिखाया है। ऐसा नहीं कि पूरा मतलब डिब्रूगढ़ आप लोग को घुमा दिया। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करना पड़ेगा, बिकॉज पूरा रात भी हो चुका है एंड आगे से डिब्रूगढ़ टाउन ख़त्म भी होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड गाइस, अब कर भी क्या सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो अपर आसाम के इस अपर आसाम राइड के ब्लॉग में, बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो को देखकर मज़ा आता हो तो आप मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं आपके लिए बना सकूं या तो फिर बनाता रहूं। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा, आप मुझे वहाँ में जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस डिब्रूगढ़ बाइक राइडिंग मोटो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय दोस्तों।